नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते काफ़ी मेरे वीरां ने एक सवाल मैं तो काफ़ी बार पूछा है इंस्टाग्राम ते आते कि गवर्नमेंट एग्जाम्स बारे तुहानू इन्ना कुछ किवें पता है कि तुहानू पूरी सिलेबस की जानकारी होंदी है कि 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 टॉपिक होंगे ने प्रीवियस एग्जाम रिलेटड काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी तुहानू पता होंगे। मीनस वो पूछना चाहते हैं कि सर तुसी इहो जिहा की करते हो जो तुहानू इन्नी नॉलेज है। दोस्तों मैं भी तुहाडे वर्गा एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हाँ एंड मैं PCS की एग्जाम की तैयारी कर रहा एंड मैं एक बार PCS का एग्जाम भी दे चुका हाँ जिसका मेरा प्री एग्जाम क्लीयर से मेनस एग्जाम मेरे तो क्लीयर नहीं हुआ क्योंकि टफ बहुत होंगे है। जिन्होंने भी मेरे वीर ने PCS बारे सोचा जो पढ़िया होगा उन्होंने पता ही होगा कि PCS का एग्जाम कितना टफ होंगे। दोस्तों यही रीज़न है मैं हर गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन चैक करता हूँ एंड मोनीटर करता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं किस सिलेबस में किस टॉपिक में किन्ने क्वेश्चन बनते हैं तो करके मैं इन्हों सब की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी हो चुकी है। एंड का भाव उ है दोस्तों ज राह पाए तो पता लगता ज बाह पाए तो पता लगता कि मेरा राह भी यही है तो बाह भी है इस नाल काफ़ी टाइम तो पाया हुआ तो करके मैं पूरी इन्हना रिलेटड नॉलेज है। तो दोस्तों हम आप अज के अपने टॉपिक पर आने तो गल करते हैं कि पंजाब का जो तुम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो किस सिलेबस में सब तो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि जोड़े तो पढ़ने लाजमी ने जे यही भी तुम कवर कर लोगे तो एग्जाम ईजीली क्लीयर हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं तुम्हें तो दसे हुए हैं जिड़े भी अपने एग्जाम में सीधे एज इट क्वेश्चन जिन्होंने टॉपिकों में बनते हैं तो इन्होंने राइट डाउन कर लो तो हाँ जो तुम पेज देख रहे हो मेरी राइटिंग है जो तुम्हें तो चंगी लगी तो वीडियो में कमेंट करके यस कर दो जो समझ आ रही है तो यस कर दो नहीं तो मैं कल तो तुम्हें तो स्लाइड बना के ही यही इस बारे एक जानकारी दे देंगे सिलेबस बारे। हूँ जे मैं चाहता तो यह वीडियो भी तुम्हें स्लाइड बना के वधिया जी प्रेजेंटेशन बना के तुम्हें समझा सकता से बट फायदा क्या दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे स्लाइड्स बनाने में तो इनफॉर्मेशन तुम्हें यही देनी सी जो मेरे को सामने तुहाडे कोल दिख रही है। उम्मीद है तुम्हें मेरी राइटिंग समझ से आ रही है तो आप हूँ आप अज्ज की वीडियो स्टार्ट कर लें। एग्जाम में सब तो ज़्यादा वेटेज रखता है जो जनरल अवेयरनैस के टॉपिक सब तो ज़्यादा वेटेज रखता है मतलब सब तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल अवेयरनैस में पूछे जाते हैं। हूँ जनरल अवेयरनैस में आप टॉपिक चंगी तरह कवर कर लेने ताकि एग्जाम में क्वालीफाई कर सकिए तो एनवायरमेंट रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने बनते हैं। हूँ दोस्तों जेडे जेडे टॉपिक तो मैं इतने दस रहा या तुम नोटबुक से नोट करते रहो तो यूट्यूब से सर्च मारते रहो जिनी इनफॉर्मेशन कलैक्ट कर सकते हो कर लो तो अपनी कापियां फुल भर दो इनफॉर्मेशन। ओके दोस्तों तो इस अलावा आप करंट अफेयर पिछले 2 सालों का जिवें आप हूँ एग्जाम दे रहे हैं तो पिछले 2 सालों का करंट अफेयर रिलेटड अपने तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अलावा इंडियन हिस्टरी काफ़ी इंपोर्टेंट वेटेज रखती है भी आर्ट और कल्चर इस रिलेटड भी मैं काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास तुम्हें ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अते बुक्स एंड ऑथर किसी भी बुक्स का ऑथर बारे लेखक बारे पूछ लिया जाता तो काफ़ी क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं तो इस रिलेटेड भी तुम्हें मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं उसे जाके तुम चैक कर सकते हो मेरे चैनल पर। इस अलावा है जियोग्राफी इकनोमिक्स तो जनरल पॉलिटी और इस अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी क्वेश्चन इस विचों बनते हैं तो अवार्ड्स रिलेटड जिमें नोबल पुरस्कार किसी को मिले या वीर चक्र पुरस्कार इस तरह के कोई भी जोड़े अवार्ड्स होंगे ने किनू मिले कदों मिले तो किस काम करके मिले इस रिलेटड क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में बनते हैं तो करके यही भी रट लो तो फ्यूचर भी थोड़ा मैं इस अवार्ड्स रिलेटड भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन की गल करिए जिमें कि एशियन गेम का विजेता कौन सी किड़ी कंट्री ने जितया सी जां एशियन या कॉमनवैल्थ गेम्स होंगी ने यह अगले साल किहड़े शहर में होणगियां ते पिछले साल किहड़े शहर में होईयां सी जां इस साल किहड़े शहर में कित्थे किहड़ी कंट्री में हो रही तो इस टाइप के स्पोर्ट रिलेटड क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी देखने को बनते हैं। एंड जनरल साइंस की गल करिए सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक जो जनरल साइंस है इस रिलेटड कम तो कम तुम्हें 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो इस रिलेटड मैं ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस भी दे चुके अपने चैनल पर जाके तुम चैक कर सकते हो। एंड दोस्तों जो तुम तैयारी परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इन सारे टॉपिक्स की अलग अलग बुक बाय कर लो हिंदी से या इंग्लिश से जे पंजाबी मीडियम हो तुसी तां पंजाबी मीडियम एक बुक राही भी कर सकते हो मतलब कि जिहड़ी इनफॉर्मेशन लैनी हुंदी है वो एक बुक विच हुंदी है ते वो भी तुसी लै सकते हो ते बेस्ट बुकां दे लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो दे डिस्क्रिप्शन विच दिंदा हुंदा ते जिहड़ी भी तुसी बुक बाय करना चाहुंदे हो जाके मेरे लिंक ते क्लिक करके ऑनलाइन ऑर्डर कर लो लेटेस्ट एडिशन दी बुक बाय कर लो। हुण मैथमैटिक्स दी गल करिए दोस्तों नंबर सिस्टम रिलेटड क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम विच ते होल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं डेसिमल तो फ्रैक्शन रिलेटड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो फंडामेंटल अर्थमैटिक्स रिलेटड भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं सब तो इलावा इस तो इलावा सॉरी परसेंटेज के भी काफ़ी 5 या 6 क्वेश्चन आप कह सकते हैं हर एग्जाम में बनते हैं। इस तो इलावा रेशियो के प्रपोर्शन रिलेटड भी क्वेश्चन एवरेज
ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਟ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੋਗਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਮਿਲਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਸਪੀਚਲ ਔਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੋ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਜਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੈਮਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜਨਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜਨਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਗਰਾਮਰ ਅਤੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ, ਐਰਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੈਪਸ ਐਂਡ ਈਡੀਅਮਸ ਅਤੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਸਿਰਫ ਇਹ 5-6 ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ? ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫੈਕਟ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ।